जादुई नेल पॉलिश की खेती। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सोम्या था। सोम्या अपनी माँ और बहन के साथ जिलापुर गांव में रहती थी। वो लोग बहुत गरीब परिवार से थे। उन लोगों के पास बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी खाने को मिलती थी। क्योंकि सोम्या और उसके छोटी बहन नंदिनी के पिता बहुत छोटी उम्र में ही गुजर गए थे, इसी कारण उनके घर में खर्चा चलाने के लिए कोई नहीं था। धीरे धीरे समय के साथ जब वो लोग अपने पिता के हादसे से उभर गए, उसके बाद उसकी माता सुशीला ने लोगों के घर में जाकर काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और सोम्या और नंदिनी बड़े हो गए। और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण की वजह से भी नंदिनी और सोम्या कभी पढ़ नहीं पाए। नंदिनी की बहुत इच्छा थी कि वो पढ़ाई करने जाए, पर सोम्या की उम्र निकल गई थी, इस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर सकती थी, ना ही उसका पढ़ाई में कोई मन था। पर नंदिनी यही चाहती थी कि वो जी जान लगाकर पढ़ाई करे और पैसे कमाकर अपनी माँ का हाथ बटाए। एक बार की बात है, सुशीला की तनख्वाह नहीं आई थी। उसकी मालकिन बहुत खड़ूस थी। वो पूरा दिन सुशीला से घर में काम तो करवाती ही थी, इधर उधर सब जगह सफाई भी करवाती थी, खाना भी बनवाती थी, पर उसे तनख्वाह समय पर नहीं देती थी। उसकी मालकिन बहुत ही ज्यादा जालिम औरत थी। मालकिन, आपने मेरी 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी है, अब तो हमारा खाना पीना भी मुश्किल हो रहा है। इतने दिनों से मेरे बच्चों ने कुछ ठीक से नहीं खाया। अगर आप मेरी तनख्वाह दे देती तो मेरे बच्चे ठीक से खाना तो खा लेते। अच्छा, तो तुम्हें तनख्वाह चाहिए? ऐसा करो, तुम अपनी तनख्वाह 3 दिन बाद ले लेना, क्योंकि तुम्हारे मालिक गांव गए हुए हैं। तुम्हें पता तो है, तब भी तुम तनख्वाह मांग रही हो। और ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे पैसे खा लूंगी। तुम्हारे पैसे तुम्हें 3 दिन बाद मिल जाएंगे, तब तक तुम्हारे मालिक आ जाएंगे। उससे पहले तनख्वाह की बात मत करना मेरे सामने, वरना तुझे भी काम से निकाल दूंगी। अब सुशीला उदास हो जाती है और निराश भरी आंखों से अपने घर की ओर आने लगती है। वो बहुत निराश थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके बच्चे उसका घर पर इंतजार कर रहे होंगे कि आज मुझे तनख्वाह मिलेगी और मैं अपने बच्चों को अच्छा अच्छा खाना खिला पाऊंगी। सुशीला निराशा भरी आंखों से घर तो पहुंच जाती है, पर जब उसके बच्चे उसको खाली हाथ देखते हैं और उसे उदास देखते हैं, तो वो दोनों लड़कियां समझ जाते हैं और सुशीला से कुछ नहीं कहते। और अपनी माँ को इतना उदास देख वो दोनों भी उदास हो जाती है। अपनी बेटियों को इस तरह उदास देख सुशीला बोलती है, बेटी तुम दोनों इतना उदास मत हो। मालकिन किसी कारणवश मुझे पैसे नहीं दे पाई, पर मैं तुम दोनों से वादा करती हूँ, 3-4 दिन बाद जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं तुम दोनों को अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। अभी के लिए तुम दोनों खुश हो जाओ और ऐसे निराश नहीं होते। हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। घर में चावल तो रखे हैं, पर दाल नहीं है। पड़ोस वाली अम्मा से दाल लेकर अभी आती हूँ, हम लोग दाल चावल खाएंगे। अब तो तुम दोनों खुश हो ना? सोम्या और नंदिनी अपनी भीगी भीगी आंखों से हामी भर देती हैं। अम्मा, क्या तुम मुझे थोड़ी सी दाल दे सकती हो? मेरी बेटियों ने इतने समय से कुछ अच्छा खाना नहीं खाया है, वो सिर्फ सूखी रोटी खाकर गुजारा कर रही है। आज अगर तुम दाल दे दोगी तो मैं आज अपने घर पर अपनी बेटियों को दाल चावल बनाकर खिला दूंगी। वो दोनों आज बहुत निराश है, इसी कारण मैं तुमसे आज कुछ मांगने आई हूँ। जब मेरी तनख्वाह आ जाएगी तो मैं तुम्हें दाल लौटा दूंगी। बेटी, तू ये कैसी बातें कर रही है? ये ले, ये दाल है, इसे ले जा अपने घर, और लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे मदद चाहिए होगी तो तुम मेरी मदद कर देना। आज एक पड़ोसी के नाते मैंने तेरी मदद करी है। ठीक है अम्मा, तो मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर अपनी बेटी को खाना बनाकर देना है। सुशीला घर आकर अपनी बेटियों के लिए खाना बनाने लगी। कुछ समय बाद जब खाना तैयार हो गया तो उसने सबको आवाज लगाकर खाने के लिए बुला लिया और तीनों जने खाना खाने के लिए बैठ गए। वो खाना खाना शुरू ही कर रहे थे, तब तक उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो जाती है और कहती है, कोई है? इस गरीब को खाना दे दे, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, कोई तो मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। गरीब अम्मा की बात सुनकर नंदिनी बाहर आती है और दरवाजा खोलकर देखती है
कि कौन खाने की गुहार लगा रहा है। क्या हुआ बूढ़ी अम्मा, आप इतनी परेशान और थकी हारी क्यों लग रही हैं? बेटी, मैं तो गरीब हूँ, मैंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया है, इसलिए मेरी हालत ऐसी हो रखी है। मेरी बहू और बेटी ने मुझे घर से निकाल फेंका, इसी कारणवश मुझे अब इधर उधर ठोकर खानी पड़ती है। मेरा कोई सहारा नहीं है, तुम अभी मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो क्या? अम्मा की बात सुनकर नंदिनी का दिल भावुक हो जाता है और वो अंदर जाकर थाली ले आती है और बूढ़ी अम्मा को दे देती है। अब बूढ़ी अम्मा वही चबूतरे पर बैठकर दाल चावल खा लेती है और कहती है, बेटी तुम एक बहुत अच्छी और सच्चे मन की लड़की हो, आज तुमने मुझे खाना खिलाकर बहुत पुण्य का काम करा है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। इतना बोलकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से अपना थैला लेकर चली जाती है। और अब नंदिनी घर में आती है तब उसकी माँ कहती है, अरे बेटी तेरा दिल तो बहुत बड़ा है, तूने अपनी खाने की थाली उस बूढ़ी अम्मा को दे दी, एक बार भी नहीं सोचा हमारे हालातों के बारे में, तू तो सही में बड़ी दिल वाली निकली, सीधा बिना सोचे समझे उस अम्मा को खाना खिला दिया। मैं तो धन्य हो गई तुम जैसी बेटियों को पाकर, भगवान ऐसी समझदार लड़कियां हर घर में दे। अब नंदिनी ने अपनी थाली बूढ़ी अम्मा को दे दी थी पर वो खुद भूखी रह गई थी। अब उनके घर में खाने को कुछ नहीं था तो उस रात नंदिनी भूखी ही सो गई। अब ऐसे करते करते कुछ दिन और निकल जाते हैं और सुशीला अपने काम पर जाती है और आज अपनी मालकिन के घर का सारा काम खत्म कर लेती है और फिर कहती है, मालकिन इतने दिन हो गए हैं, मेरी बच्चियों ने ठीक से खाना तक नहीं खाया, कृपया करके आज आप मेरी तनख्वाह दे दो। मेरे पास तुझे देने के लिए कोई पैसे वैसे नहीं है, मैंने तुझे समझाया था ना कि अभी कुछ दिन तक पैसे मत मांग, पर तू तो रोज मुंह फाड़ के पैसे ही मांगने लग जाती है, जा निकल जा मेरे घर से, मैं तुझे एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाली, गरीब लोग काम धाम कुछ करते हैं नहीं और रोज रोज पैसे मांगने आ जाते हैं, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें बस पैसों से मतलब होता है। मालकिन ये आप क्या कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप कह रही हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ होते हैं, और आपने तो मेरी 3 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी, मेरे घर में मेरे बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है इसलिए मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ, पर आप हैं कि उल्टा मेरी बेइज्जती कर रही हैं। आज तो तेरी बहुत जवान चल रही है, अभी के अभी निकल जा मेरे घर से, वरना लोगों को इकट्ठा करके तुझे बदनाम करवा के भेजूंगी। सुशीला बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और दुखी मन से वहाँ से निकल जाती है और रोते रोते कहती है, हे राम जी, आज तो उस मालकिन ने मेरे पैसे भी नहीं दिए और मुझे घर से भी निकाल दिया, अब मैं क्या करूं? घर में खाने को एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, अब मैं अपनी बेटियों को क्या जवाब दूंगी, हे भगवान मेरी मदद करो। सुशीला इतना कह रही थी और वो पेड़ के किनारे बैठी थी, वो बहुत ज्यादा दुखी थी और रो भी रही थी। तभी वो बूढ़ी अम्मा जिसे नंदिनी ने अपना खाना दिया था वो वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, आखिर तुम ऐसे रो क्यों रही हो, तुम्हारे पास तो इतनी प्यारी बेटियाँ हैं, तब भी तुम यहाँ बैठकर रो रही हो। अरे अम्मा मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, जिस मालकिन के घर में काम करने जाती थी उस मालकिन ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, वो मेरी 3 महीने की तनख्वाह भी नहीं दी और मुझे घर से निकाल दिया, अब आप ही बताओ मैं अपनी भोली भाली बेटियों को क्या जवाब दूंगी, और आपको तो पता ही है कि मेरी बेटियां कितनी नादान और भोली हैं, वो दोनों ये दुख सुन नहीं पाएंगे। अच्छा बेटी तो ऐसी बात है, तो रुको मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम कभी दुखी नहीं होगी, ये लो ये जादुई नेल पॉलिश है, इस जादुई नेल पॉलिश को ले जाओ और इसे अपने आंगन में गाड़ देना, फिर देखना इस जादुई नेल पॉलिश का जादू। अच्छा अम्मा जब आप ये कह रही हो तो ये चीज भी करके देख ही लेती हूँ, क्या पता इसी से मेरी किस्मत चमक जाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे बहुत समय हो गया है, मेरी बेटी मेरी चिंता कर रही होगी, मैं घर जाती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को विदा करके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और घर आते ही सुशीला
उस जादुई नेल पॉलिश को अपने घर के पीछे वाली जगह में गाड़ देती है। अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सुबह होते ही जब सुशीला घर से बाहर निकलकर देखती है तो उस पूरी जगह में जादुई नेल पॉलिश की खेती हो जाती है। और ये देख सुशीला इतनी खुश होती है कि वो खुशी के मारे चिल्लाने लगती है और उसकी चीख सुनकर उसकी बेटियां बाहर आती है और देखती है कि ये क्या चमत्कार हो गया। उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। माँ, ये चमत्कार कैसे हो गया? यहाँ पर जादुई नेल पॉलिश की खेती कैसे उग गई? बेटा, ये सब तो हमारे अच्छे कर्म है। वो जो बूढ़ी अम्मा थी जिसे नंदिनी ने खाना खिलाया था, उन्होंने मुझे कल घर आते समय ये जादुई नेल पॉलिश दी थी, जिसकी वजह से आज हमारे पास इस जादुई नेल पॉलिश की खेती है। माँ, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इस जादुई नेल पॉलिश को बाजार में जाकर बेचने लगे। मुझे लगता है कि इससे हमारी खूब कमाई हो सकती है। हाँ नंदिनी, तुम सही कह रही हो, हम ऐसा कर सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग आज से ही काम पर लगे। तो अब उन तीनों ने ये तय किया कि वो तीनों मिलकर बाजार में जाकर नेल पॉलिश बाजार में बेचा करेंगी। अब वो तीनों सड़कों पर जा जाकर लोगों को नेल पॉलिश बेचने लगे। उनके नेल पॉलिश के कलर दिखने में इतने अद्भुत थे कि कोई भी औरत उन्हें ले जाए बिना रह नहीं पाती थी, जिस कारण से उनकी नेल पॉलिश बहुत जल्दी बिक जाती थी और उनके पास खूब अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। वो उस कमाई से अब अपना घर अच्छे से चला रहे थे और धीरे धीरे उनकी कमाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सुशीला के नाम से एक दुकान भी खोली। उस दुकान का नाम सुशीला कॉस्मेटिक था। धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी पूरी दुकान में सामान भरा और अब उनकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी और अब वो तीनों बहुत अमीर बन गई थी और उन्होंने अपने लिए एक अच्छा खासा घर भी खरीदा और एक गाड़ी भी खरीदी। दोस्तों, आपको हमारी ये जादुई नेल पॉलिश की कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे दिए गए बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।